महिला विरोध दिवस। अभी हम दिल्ली का जंतर मंतर पर खड़े हैं और यहाँ पर एनजेसीए के तत्वाधान में एनपीएस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं, क्या उनकी मांग है, क्या उनकी राय? 34 लाख केंद्र कर्मचारियों का समस्या है। भारत सरकार ने नया पेंशन स्कीम अमल की 2004 से। हमारा डिमांड है नया पेंशन स्कीम को रद्द करा के पुराना जो पेंशन स्कीम थी, लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, पेंशन भिक्षा न है, दान न है, वो पेंशन कर्मचारी का हक है रिटायरमेंट के बाद में सामाजिक रक्षा इंश्योर करने के लिए, वो पेंशन फिक्स किया। अभी आज का डिमॉन्स्ट्रेशन ये हमारा संग्राम आगे बढ़ाने के लिए हम ये एक्शन लिए, नया पेंशन स्कीम रद्द करना और पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करना। हमारी मांग मोदी सरकार से है और जो इससे पिछली सरकारें रही हैं उनसे भी है कि 1/1/2004 से इन्होंने जो पेंशन है वो सारी पेंशन केंद्रीय कर्मचारियों की बंद कर दी गई। हमारी इनसे मांग है और जो अब ये हमारा पेंशन की जो नई स्कीम लेकर आए हैं, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो लेकर आए हैं, उसके अंदर कुछ आंशिक अनुदान हमारी सैलरी से कटेगा और कुछ सरकार अपने पास से जमा कराएगी और वो म्यूचुअल फंड वगैरह में लगा रही है। आज अगर म्यूचुअल फंड तेज है और वो बैठ जाता है तो उसकी क्या गारंटी है कि हमारी पेंशन मिले? दूसरी बात, एक एमपी 5 साल संसद में रहता है, आजीवन उसे पेंशन मिलती है, आजीवन उसे सुख सुविधाएं मिलती है, लेकिन एक व्यक्ति जो 40 साल की केंद्रीय कर्मचारी 40 साल देश की सेवा कर रहा है, सैनिक की तरह मर रहा है यहां पर, उसे पेंशन नहीं है। ये सरकार किस तरीके से, और अब हमारी मांग एनजीसीए के तत्वाधान में हमारी सभी जितने भी केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन है सबने ये मांग रखी है, सबने ये मांग रखी है कि जो भी चुनावी घोषणा पत्र में एनपीएस को गो बैक करेगा हम उसी को मतदान करेंगे और इससे ज्यादा रोष आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे एनपीएस गो बैक के लिए आए हैं, हमारी पुरानी पेंशन सरकार बहाल करे और हम उसी को सब सरकार सत्ता में लाएंगे जो हमको ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल करेगा। अब देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं। कैमरामैन अरवाज के साथ कुलदीप कुमार, एनबीसी न्यूज हिंदी। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।